नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में हुए बड़े नेता और मंत्री, लेकिन विकास की गाथा थी अधूरी। बदल रही जिले की तस्वीर। आपको बता दें, दूसरी बार भाजपा से लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद सांसद संगमलाल गुप्ता मीडिया से हुए रूबरू। विकसित भारत संकल्प पत्र के तहत सांसद ने बताया कार्यालय के दौरान जिले की विकास गाथा। शनिदेव धाम से मां बाराही देवी धाम होते हुए बाबा बेलखरनाथ धाम होकर शिव मंदिर मकुंदपुर के पास निकलेगा 40 किलोमीटर रिंग रोड। नहरपुर से जगेसरगंज होकर अंतु तक 16 किलोमीटर बनेगा 4-लेन रोड। नहरपुर में बनेगा रेलवे अंडरपास। मेडिकल कॉलेज आने जाने के लिए शहर में सर्विस लेन रोड सहित 1600 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना के बारे में सांसद ने दी जानकारी। एटीएल फैक्ट्री की जमीन में लगेगा उद्योग तो मिलेगा जिले में रोजगार। जल्द ही धरातल पर दिखेगा उद्योग। बदहाली के दौर से गुजर रहा पृथ्वीगंज हवाई अड्डा उड़ान के लिए होगा तैयार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले सांसद संगमलाल, सतत प्रक्रिया के तहत होता रहेगा जिले में विकास कार्य। समस्या और शिकायत पर निरंतर करते रहेंगे पब्लिक की सेवा। सदर विधायक राजेंद्र मौर्य, भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव ने क्षेत्र और जिले में हो रहे विकास कार्यों का किया गुणगान। लोकसभा चुनाव प्रभारी सुशील उपाध्याय, भाजपा मीडिया प्रभारी राघवेंद्र शुक्ल, सांसद के मीडिया प्रभारी विनोद तिवारी, सांसद प्रतिनिधि अभिषेक पांडे और भाजपा नेता विनोद पांडे प्रेस वार्ता में रहे मौजूद। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रतापगढ़ से संवाददाता विनय तिवारी की रिपोर्ट। सदन में रखी गई थी, लेकिन हमारे हम सभी कार्यकर्ताओं के विशेष अनुरोध पर माननीय सांसद जी ने यह प्रेस अपने यहाँ आयोजन की और आप सब पत्रकार बंधुओं का स्वागत। तो आज इस प्रेस वार्ता में आप सब पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे साथ में हमारे पूर्व के जिलाध्यक्ष जौनपुर सुशील उपाध्याय जी और हमारे प्रतापगढ़ लोकसभा के और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अपने क्षेत्र की देवदूत जनता का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि क्षेत्र की जनता के कार्य को देखते हुए और पार्टी ने हमें दोबारा विश्वास जताया है, दोबारा हमको सेवा करने का मौका दिया है। तो मैं अपने क्षेत्र के देवतुल जनता से ही अपेक्षा करता हूँ, उनका आशीर्वाद जैसे हमको 19 में मिला था, 17 में मिला था, वैसे 24 में भी आशीर्वाद मिले और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा जो अभी गांव-गांव में चलाई गई थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो परिकल्पना है कि विकसित भारत का संकल्प उन्होंने लिया है कि आने वाले 2047 तक हमारा ये भारत एक विकसित भारत बने, और उसी के क्रम में अभी चुनाव घोषणा होने के बाद जो घोषणा पत्र बनेगा जनता से और प्रबुद्ध लोगों से एक सुझाव मांगा गया है। हर विधानसभा में एक पेटी रखी जाएगी, उसमें 500 कुछ पत्रक दिए जाएंगे, उसमें अपना अपना क्षेत्र का और अपने गांव का सुझाव कि उस घोषणा पत्र में शामिल किया जाए, ये उसका भी था। और आज पार्टी ने पुनः प्रत्याशी बनाया, हमारे क्षेत्र की जनता के बारे में हमने जो 2 साल और 5 साल हमने जो कार्य किया है उसके बारे में भी मैं अपने क्षेत्र की देवतुल जनता को बताना चाहता हूं कि 2 साल विधायक के कार्यकाल में हमने कई सारे पुलों का निर्माण, मेडिकल कॉलेज की स्थापना और सांसद के कार्यकाल 2019 में जनता ने जब अपना आशीर्वाद हमको दिया, 2 साल कोरोना काल के संकट में जाने के बावजूद भी 2 साल की निधि भी हम लोगों को नहीं मिली थी और उसके बाद 3 साल जो बचा
निरंतर रात दिन संगठन का काम करते हुए भी हमने अपने जिले को प्राथमिकता देते हुए हमने कई सारी बड़ी परियोजनाएं, जैसे बहुप्रतीक्षित हमारा प्रतापगढ़ का बाईपास नहीं था तो हमने 16 किलोमीटर एक्सटेंशन कर 6 किलोमीटर 22 किलोमीटर का बाईपास जो प्रगति पे काम शुरू है, बहुत जल्द हमारे प्रतापगढ़ के लोग उसका लाभ लेंगे। शहर से गुजरने वाला जो रोड है, जर्जर तारों से शहर दिखता नहीं था और आए दिन वो टूट जाता था। हमने मोहन भूपिया मऊ से लेकर सोनावा तक 4 लेन विद डिवाइडर सीसी रोड और उसमें फाटक पर एक नए ब्रिज का निर्माण, बेला देवी पे एक नया ब्रिज का निर्माण, भगुआ की चुंगी जो हमारा शहर विस्तार नहीं होता था उस पर एक ब्रिज का निर्माण जिससे 40 गांव कनेक्ट हो जाएंगे। दूसरी एक बड़ी परियोजना जो 51 किलोमीटर अभी 2 दिन पहले नितिन गडकरी जी ने उसका शिलान्यास किया, वर्मा नगर से होते हुए चिरकुट्टी 4 लेन बाईपास जो 1300 करोड़ रुपए की स्वीकृत हुआ है। दूसरा सबसे बड़ी परियोजना हर्ष का विषय है कि प्रतापगढ़ को रिंग रोड दिया गया है, शनिदेव धाम होते हुए माँ बराही देवी, माँ बराही देवी होते हुए बाबा बिलकरनाथ होते हुए मकबूलपुर 4 लेन 40 किलोमीटर का रोड माननीय नितिन गडकरी जी ने घोषणा किया है। दूसरा एक मकबूलपुर अपना नरहरपुर चौराहे के से 4 लेन 16 किलोमीटर का घोषणा किया है, 2 किलोमीटर